और उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। देहरादून में बुधवार को याचिकाकर्ता रविंद्र जुगरा ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की है और बीएस सिद्धू पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही उनके खिलाफ में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू समेत 8 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किए जाने के लिए जुगराम ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि बीएस सिद्धू पर देहरादून के राजपुर रोड पर 9 बीघा जमीन फर्जी तरीके से हथियाने और पेड़ काटने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। और एक रक्षक का भक्षक बनने के कारण ये सब सवाल उन पर खड़े हुए हैं, और ये उनके डीजीपी बनते समय भी खड़े हुए और उससे पहले भी। वो जब रेलवे सुरक्षा बल से यहाँ उत्तराखंड में अपना योगदान देने के लिए आए थे एक आईपीएस ऑफिसर के नाते, तो उन पे तो तभी आरोप रेलवे सुरक्षा बल ने ही लगा दिए थे और सीबीआई को चिट्ठी लिखी थी कि इन्होंने आय से 145 गुना अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित की है 145% टाइम्स, और सीबीआई ने स्टेट से यहाँ परमिशन मांगी थी लेकिन उस समय के शासन ने परमिशन नहीं दी। तो आरोप तो उन पे आरोप का और सिद्धू जी का तो एक